नमस्कार दोस्तों, आज हम इस ऑडियो में जानेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो भी भारत के शहर हैं और सांस्कृतिक स्थल हैं उनके बारे में। ट्रिक के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं, जैसे यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, यूनाइटेड नेशन के चेयरपर्सन कौन है इत्यादि। तो यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले। इसमें एंजोले शब्द पर ध्यान देंगे तो एंजल एंजल जैसा लग रहा है। एंजल कैसी होती है? सुंदर होती है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। पेरिस विश्व की सबसे सुंदर सिटी है। तो इस तरह से आप रिलेट करके आसानी से याद कर पाओगे। अब बात करें भारत के संदर्भ में यूनेस्को की, तो भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। अभी तक के भारत के कुल 37 स्थल, जिनमें प्राकृतिक स्थल और सांस्कृतिक स्थल शामिल है, कुल 37 विश्व विरासत स्थल अभी तक भारत में है। अब हम क्रमबद्ध देखते हैं 1983 से लेकर के अब तक जो 37 स्थल शामिल किए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले 1983 में 4 स्थल शामिल किए गए, इसमें से 2 थे उत्तर प्रदेश के और 2 थे महाराष्ट्र के। उत्तर प्रदेश के आगरा के थे, आगरा का किला, तो ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं याद करने में। और ताजमहल भी आगरा में, ये भी सभी को पता है। याद कर लीजिए, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अब इसके लिए सन को कैसे रिलेट करेंगे? ये 3 आप देख रहे हैं, इस 3 में आप ऐसे कर दीजिए तो आ बन जाता है। देखिए, आगरा आगरा अजंता, सभी में अ आ रहा है। 1983 में जितने भी है उसमें अ आएगा। तो याद रखिए, 1983 में 4 स्थल शामिल किए गए, आगरा का किला, ताजमहल, दोनों आगरा में हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 1984 में 2 स्थल शामिल किए गए, पुरी जगन्नाथपुरी जो कि ओडिशा में है, आपको पता होगा ये 4 धाम में से एक है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में ही रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की, ये भी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में, कोणार्क कहाँ है? पुरी में। और पुरी कहाँ है? ओडिशा में। अब देखते हैं महाबलीपुरम, यह है तमिलनाडु में। महाबलीपुरम है तमिलनाडु में। कब शामिल किए गए? 1984 में। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए दोस्तों, जो ट्रिक मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, ट्रिक ये है, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 84 लाख योनियाँ होती है। कितनी योनियाँ होती है? पूरी 84 लाख योनियाँ होती है। पूरी 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ। और ये पूरी, ये भी पूरा आ रहा है इसमें। तो 84 से आप पूर को रिलेट कर लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। देखिए, महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में। इसके लिए मैंने ट्रिक ये बनाई है, शब्दों की प्रोनंसिएशन पर आप ध्यान दोगे। महाबली, कोई महाबली है पूरा, तो उससे आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं, मिल के रहना पड़ेगा। तमिल ना अड़ू, अगर कोई महाबली है तो उससे मिल के रह, मिलना ना अड़, तमिलनाडु है ना। तो महाबलीपुरम पूरा आ रहा है, यानी पूरी 84 लाख योनि की बात हो रही है। 84 लाख से याद करेंगे हम सन 84। नेक्स्ट देखते हैं 1986 में 4 स्मारक या स्थल शामिल किए गए। 86 को हम पढ़ेंगे सैया असे। सैया असे मतलब मेरे सैया ऐसे, मतलब शिकायत कर रही है कोई प्रियतमा अपने पिया से, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि वो गोवा जाने की शिकायत कर रही है, हम तो गोवा चलेंगे। अब ये कहता है, भाई गोवा में तो समुद्र है। पति कहता है, गोवा में तो समुद्र है और छाते से भी काम नहीं चलेगा समुद्र में, तो है ना। तो छतरपुर, छतरपुर में क्या है? खजुराहो स्मारक।
लेकिन उसने कहा कि चलो अपन तो फतेहपुर सीकरी चलते हैं। प्रीतम बोलती है, फतेहपुर सीकरी में क्या है? आगरा चलते हैं। आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो फतेहपुर सीकरी क्या? ताजमहल में चलते हैं अपन तो। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश में, सभी को पता है। हॉकी से बनेगा हम्पी स्मारक समूह, बल्लूरू जबरन हॉकी, बल्लूरू कर्नाटक। क्यों हाँ करनी पड़ी? क्योंकि कर्नाटक नाटक बहुत कर रही थी कि सैया ऐसे है, इसलिए। इस तरह से आप ये कहानी के ज़रिए इसे याद कर सकते हैं। मुझे पता है इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। मैंने जिस तरह से याद किया वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 1987 में तीन स्थल शामिल किए गए, एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इसके अलावा पहले मैंने आपको बताया अजंता एलोरा भी महाराष्ट्र में, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, और ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक और स्थल पहले निकल चुका है, कौन सा? जो पूर्व वाला है ना, तो आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से, महाबलीपुरम और तंजावुर भी तमिलनाडु में है, लेकिन पूर्व में पूरी 84 लाख क्यों नहीं आ रही? और यहाँ आ रहा है तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर। इसे भी मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, देखिएगा। देखिए 8 से 1 को हम पढ़ेंगे, 8 से 1, प्रोनंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अर्थ अलग हो जाता है। 8 से 1, शेर जंगल का राजा होता है, और जंगल का राजा कहाँ रहता है? गुफाओं में। यह आपको विरोधाभास मिलेगा, जंगल का राजा तो शेर होता है और वह गुफा में रहता है, लेकिन हमें क्योंकि ट्रिक बनानी है इसलिए हम कहेंगे 8 से 1, जंगल का राजा एक ही होता है, कौन होता है? एलिफेंट, क्योंकि सबसे बड़ा जानवर स्थल पे तो यही है और वो गुफा में रहता है। ट्रिक के लिए हमें याद करना है, फैक्ट इससे आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए एलिफेंट तक गुफा है महाराष्ट्र में, इस तरह से आप याद कर लीजिए। दूसरा है एलिफेंट वृहद भी होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। अब बड़े लोगों से हमें मिल के रहना पड़ता है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, और महाबलीपुरम भी कहाँ? तमिलनाडु। अब बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में, कैसे याद करेंगे? एलिफेंट और बड़ा से ही हमने रिलेटेड करेंगे, हाथी होता है बड़ा, और हाथी के बारे में एक कहावत प्रचलित है, हाथी चलत मजार, कुत्ते भोकत हजार। कुछ इसी तरह से श्वान कुत्ते कुछ भी कह सकते हैं, तो ये तंज कसते हैं उससे बनेगा तंजावर। अब देखते हैं, अभी पिछली कहानी में हमने देखा था कि सैया को कैसे पटाती है, अपने पिया को प्रीतमा कैसे पटाती है नाटक करके, पटा द कल है ना, कैसे पटाती है नाटक करके। तो पट्टा द कल स्मारक समूह कहाँ है? कर्नाटक में, और 8 से 1 से 87 अपन याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 1989 में केवल एक ही स्मारक शामिल किया गया, बौद्ध स्मारक समूह, सांची रायसेन मध्य प्रदेश, कैसे याद करेंगे? नेव 80। अगर आप मालवी जानते हो या निमाड़ी जानते हो तो कोई भी सही सही बात कहना होती है तो कहते हैं नेव 80, मतलब बिल्कुल सांची, सांची राय देना, सांची राय। तो जवाब वाला देता है नेव 80, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो बौद्ध स्मारक समूह है सांची में, यह आपने याद कर लिया होगा। सांची कहाँ है? रायसेन में। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये विदिशा के पास पड़ती है, तो आप बिल्कुल निष्कंटक होकर याद कर लीजिए कि सांची रायसेन में है, न कि विदिशा में। MPPSC में क्वेश्चन आया था और बहुत से लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि यह विदिशा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन जिला पड़ता है रायसेन। नेक्स्ट देखते हैं 1983 में हुमायूं का मकबरा, सॉरी 1993 में हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और कुतुब मीनार दिल्ली। 1993, 93 हुमायूं का, 93 हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये दोनों कितने किसकी है? देखिए आपने अगर डिबेट सुनी हो टीवी में तो कहते हैं देखो आप हिंदुओं ने बनाया क्या है,
सब कुछ तो मुगलों ने बनाया। तो वे कहते हैं तेरा ना बे, हुमायूं का मकबरा हमारा है, ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है। तो ताजमहल का तो आपको पता ही है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। दिल्ली में दो इमारत स्थित है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये आप याद कर लीजिए। इसके साथ ही लाल किला भी दिल्ली में ही स्थित है, लेकिन लाल किला कब शामिल किया गया था विश्व स्मारक समूह में, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1999 में माउंटेन हिमालय, जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र है, उसे शामिल किया गया। कैसे याद रखेंगे? देखिए इन अंकों पे ध्यान देंगे तो 999 आ रहा है, और इसमें 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 10। यही हमारा ट्रिक है, माउंट 10, इसमें 10 आ रहा है। 9 में 1 जोड़ दिया, 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 आ गया। माउंटेन रेलवे और कहाँ पे स्थित है? देखिए इसके लिए भी ट्रिक है, हिमालय दार्जिलिंग। तो 10 कैसे दर्ज किया अपन ने? 9 में 1 जोड़ के 10 दर्ज कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे से दार्जिलिंग। नेक्स्ट है 2002 में महाबोधि मंदिर, जो कि बोधगया बिहार में है, ये 2002 में शामिल किया। ट्रिक क्या है? देखिए ए वन होता और B2 होता है। लॉजिकल वाले जो क्वेश्चन हम करते हैं आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ बी फैक्ट देखेंगे, हर एक में बी आएगा। महाबोधि बोधगया, बोधि बोधगया, बिहार, बिहार में बी आ रहा है। इस तरह से आप आसानी से याद कर लेंगे। 2003 में भीमबेटका की गुफाएं शामिल की गई, ये भी रायसेन में। रायसेन में पहले भी हम देख चुके हैं, सांची है, और दूसरा है भीमबेटका। कैसे याद करेंगे? भीमबेटका रायसेन में याद कर लीजिए, भीमसेन, भीम सेन, भीमबेटका का भीम लेंगे और रायसेन का सेन लेंगे, और रायसेन मध्य प्रदेश में, ये तो आपको पता होना चाहिए। सांची भी रायसेन में। अब देखते हैं 2003 कैसे याद करें। देखिए इसकी ट्रिक, अगर आपने ध्यान दिया और समझ गए होंगे, मैंने भीमबेटका को लिखा है भीम बेत्रिका, है ना, टा को त्रा कर देंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है याद करने में, हमें याद हो जाएगा 2003। B42 अपन ने अभी याद करा है, और 3 3 से 3, तो 2003 में भीमबेटका की गुफाएं विश्व विरासत स्थल में शामिल की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 2004 में कौन कौन से शामिल किए गए। तो दो स्थल है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि मुंबई में, शिवाजी मुंबई से रिलेटेड आपको अच्छे तरह से याद होगा, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अब देखते हैं गुजरात में है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो 2004 को अपन इसमें अलग तरीके से लिख रहा है, 2004 को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। वो ये 4 और ये पावागढ़, पावागढ़ गुजरात में है, यहाँ माता जी का भी बहुत अच्छा मंदिर है, शक्ति स्थल है प्रसिद्ध। आपको पावागढ़ के बारे में पता होगा, पावागढ़ के नाम से कुछ भजन भी हैं। तो याद रखिए कि पावागढ़ गुजरात में है, और ये कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि गुजरात में है, 2004 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। मुंबई को कैसे याद रखेंगे? देखिए 2 और 4 को जोड़ दिए, 6 आएंगे, ठीक है। महाराज में 4 अक्षर हैं, और छत्रपति में 6 दिख रहा है आपको, 6, ध्यान दीजिए, 6 ना कि 3, 6 और महाराज के 4 अक्षर, इसको मिला के हो जाएगा अपना 2004, 4 2 6। देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी सुविधा हमारे लिए क्या होती है कि ऑप्शन आते हैं, और जब ऑप्शन को हम देखते हैं, वैसे तो हमें ये पूरा याद नहीं रहता, लेकिन जब ऑप्शन देखते तो ये ट्रिक हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती है, और ऐसे रिलेटेड करके हम याद रखते हैं ना, चाहे चीज़ों को संभालना हो या फिर नॉलेज को, रिलेटिव एक से एक रिलेट करके, यानी कि जमा के जमाते हैं तो अच्छे से याद होता है। नेक्स्ट देखते हैं
2007 में दिल्ली का लाल किला। तो दिल के साथ हमें काम लेना चाहिए भाई, और दिल का कलर लाल होता है। कोई कुछ भी कहे, दिल का कलर लाल होता है, याद रखना आपको, लाल ही होता है, यही सही है, क्योंकि दिल में तो खून रहता है, लाल ही होगा। तो कोई भी काम करना है दिल के साथ करना चाहिए, दिमाग के साथ आपकी मर्जी, दिमाग के साथ करते हैं कि दिल के साथ करते हैं, ये ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, 2010 में जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में शामिल किया गया। जंतर मंतर 2010, तो जंतर मंतर वाले क्या करते हैं, दो एक चीज़ों को गायब कर देते हैं और उनकी जय जयकार बोलने लगते हैं लोग, कुछ राज होते हैं इनके पास। जंतर मंतर वाले जो होते हैं उनके पास कुछ राज होते हैं, और राज की वजह से उनकी जय जयकार होती है पूरी। इसको उड़ीसा वाली पूरी से कंफ्यूज नहीं करना है, जयपुर, जंतर मंतर जयपुर में है, वैसे आपको याद होगा, ये इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो दो एक जादू टोने दिखाते हैं कुछ राज की वजह से जंतर मंतर में, और लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। 2013 में राजपूताना शैली के, ध्यान दीजिएगा, राजपूताना शैली के 6 किले, ये 6 किलो है, ट्रिक में भी अपने को काम आएगा, राजस्थान में, ठीक, 2013 में ये शामिल किए गए थे। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, 6 किले हैं और 2013 के अक्षरों को जोड़ दीजिए, 3 1 4 2 6 होंगे, ठीक है। तो यही हमारा ट्रिक है, राजपूताना शैली के 6 किले कब शामिल किए गए हैं। अच्छा, राजस्थान के अक्षरों को अब जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा, देखिए राजस्थान 5.5 आ रहा है, तो 5.5 को हम 6 कर लेंगे ट्रिक के लिए। नेक्स्ट है, 2014 में रानी की वाव और गुजरात, ये दोनों स्थल शामिल किए गए, सॉरी रानी की वाव जो कि गुजरात में है शामिल की गई है। अच्छा, कमेंट करके आप ये बताइएगा कि रानी की वाव को 100, 200 या 500 में से या 2000 में से कौन से नोट पर इसकी फ़ोटो है, ये अभी हाल ही में छापी गई है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये फैक्ट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, कैसे याद करेंगे, याद रखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात। वैसे फैक्ट ये है कि किसी गुजर रानी थी कोई, और उनकी याद में ये बनाई गई है रानी की वाव। ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, गुजरात, रात को हाईलाइट किया है मैंने, अंडरलाइन किया है रात को, यहाँ रानी की वाव, भाई रानी के साथ कोई रात गुजारेगा तो मज़ा तो आएगा, वो वाव भी करेगा, रानी के साथ कोई रात गुजारेगा तो वाव तो करेगा ही, ठीक है, यही हमारा ट्रिक है। रानी की वाव है गुजरात में, और इस 14 को अगर ध्यान देंगे, देखते हैं आपका दिमाग कैसा चलता है, तो आप रात, रानी और 14 में रिलेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है, 2016 में नालंदा विहार, तो ये कहाँ स्थित है, बिहार, ये तो इसके नाम में ही स्पष्ट है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में, कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है, ये आप याद कर लीजिए, और 2016 में ही अभी हाल ही में शामिल किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो ये सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता। नेक्स्ट है, 2017 में अभी लेटेस्ट अहमदाबाद शहर, ये अहमदाबाद शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी शिंजो आबे को भी ले गए थे, तो 2017 में ही विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अहमदाबाद गुजरात में है, कौन नहीं जानता, क्योंकि मोदी जी वहाँ से संबंध रखते हैं। अब 2017 कैसे याद रखेंगे, याद हो ही जाएगा भाई, 2018 से पहले, अभी 1 साल पहले निकला, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में स्थायी तौर पे बैठ जाए,
इसलिए देखिए 17 को ध्यान दीजिए। 17 यानी खतरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 भी अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए है, और यह 17वां अनुच्छेद अभी हाल ही में खतरा बना हुआ है। खतरा क्यों बना हुआ है? क्योंकि बहुत सी घटनाएं हो रही है, जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, हरिजन आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं, कोई आरक्षण का विरोध कर रहा है, इसलिए 17 को खतरा से रिलेट कर दीजिए। और दूसरा है अहम। अहंकार भी आदमी के लिए नुकसानदायक होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। इस तरह से 2017